हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज मैं बना रही हूँ ऐश ट्रे। तो ये ऐश ट्रे मैं बना रही हूँ अपने एक कस्टमर की डिमांड पे। तो सबसे पहले मैंने क्ले लिया है, क्ले को अच्छे से मोल्ड किया है एंड मोल्ड करने के बाद मैंने एक राउंड शेप बनाया है और उसके ऊपर मैंने एक लीफ ड्रॉ किया है। ये होने के बाद मैंने सर्कल के चारों तरफ एक थिक बॉर्डर बनाया है एंड फिर मैंने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। नॉर्मल ड्राई होने के लिए ऑलमोस्ट एक घंटा लगता है, लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड ड्राई चाहिए तो आप इसको 1.5 से 2 घंटे छोड़ दो। तो ड्राई होने के बाद मैंने इसके ऊपर ओवरऑल मैंने जो पेंट किया है वो पर्पल कलर से किया है और जो इसका लीफ मैंने ड्रॉ किया था उसके आउटलाइन को मैंने ब्लैक से किया है ताकि वो थोड़ा हाईलाइट हो और अच्छा दिखे, और लीफ का कलर मैंने ग्रीन ही रखा है। तो ये ऐश ट्रे मैंने बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल से ऐश ट्रे बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो पेंट होने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि वार्निश या कोट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैंने वार्निश या कोट किया है। वार्निश या कोट इसलिए करते हैं ताकि आपका पेंट निकले नहीं, तो इसलिए वार्निश या कोट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये मेरा ऐश ट्रे बन के रेडी हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे और वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।